आज इसका दूसरा दिन है। इस दिन के शुरुआत मैं कुछ इस तरह से करती हूँ। हमारे दक्षिण भारत से कुछ साथी आए हुए हैं, उनके आग्रह पर उड़ी पढ़ैत कंडिनाई वाह वाह वाह, उड़ी पढ़ैत कंडिनाई वाह वाह वाह, उरुदी कोंड निंजिनाई वाह वाह वाह, कन्नी पढ़ैत मुल्डिनाई वाह वाह वाह, कंडुमई कोंडू तेलिनाई वाह वाह वाह, तेलियु पेट्र मडियनाई वाह वाह वाह, सिरुमय कुंडू पोंगुवाई वाह वाह वाह, यलिमे कंडी इरुंगुवाई वाह वाह वाह, येरुपोल नाडिनाई वाह वाह वाह। कल हमारे उत्तर भाषी लोग हंस रहे थे, मजा ले रहे थे, तो आज दक्षिण भाषी लोग मजा ले रहे हैं। इसका कुछ अर्थ इस प्रकार से है, जो कि एक तरह का प्रेरणा गीत है, मोटिवेशनल गीत है, जो ये कह रहा है कि आप सबकी आंखों में उजाला है, रोशनी है, खूबसूरत इच्छाएं हैं और सुंदर सुंदर शब्द हैं। आपको गलत काम पर क्रोध आता है और सरलता आपको बहुत भाती है, और आप ऐसे लोग जब मिशन पर चल पड़ते हैं, चाहे वो स्कूली शिक्षा का हो या कुछ और, तो मिशन सफल होता है, ये इसका भाव है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दिनेश सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और साथ ही प्रोफेसर के वशिष्ठ, जो हम सबके लिए एक जाने माना चेहरा है, यहाँ पर उपस्थित है। मैं अपनी निदेशक महोदय से आग्रह करूंगी कि वो हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर दिनेश सिंह जी का फूलों के द्वारा स्वागत करें और उनको SCERT की तरफ से एक छोटा सा भेंट भी देकर सम्मानित करें। आपसे करतल ध्वनि की उम्मीद कर सकती हूं मैं। सत्र की कार्यवाही दिल्ली यूनिवर्सिटी के उपकुलपति प्रोफेसर दिनेश जी के बीज वक्तव्य से शुरू करना चाहेंगे। पहले उनका परिचय देना चाहूंगी। संभवतः प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, हम सबसे एक सवाल करें कि स्कूली शिक्षा से जुड़े इस सेमिनार में एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को आखिर आमंत्रित क्यों किया गया? महोदय, आपका सवाल जितना सीधा है उसका जवाब उतना ही सरल और सुगम भी है। दरअसल विश्वविद्यालय उच्च शिक्षाई संस्था होने के गुमान में शिक्षा जगत की जो पायदान पर खड़ी सबसे पहली इकाई स्कूल है, उससे कटकर नहीं रह सकते। कॉलेजों की चार दीवारी को लांघकर यदि प्रोफेसर लोग या उनके विद्यार्थी अपने स्कूली जिंदगी की समस्याओं को समझें, वहां जेंडर, भाषाई अस्मिता, सामाजिक अस्मिता जैसे मुद्दों पर काम करें, तो स्कूलों में मिशन के साथ तो जुड़े ही रहे हैं, लेकिन हाल में ही डाइटो ने कुछ ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट लिए हैं जिनमें हिंदू कॉलेज, दौलतराम कॉलेज या हंसराज कॉलेज की भागीदारी भी रही है। सर, आप चूंकि एक गणितज्ञ हैं और ये बखूबी जानते हैं कि गणित के कारण ही बहुत से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो आपकी भूमिका तो आज के सेमिनार में बहुत ज्यादा बनती है, तो इसलिए आपका यहाँ पे बुलाए जाना निसंदेह बहुत ही प्रासंगिक, रेलिवेंट है। आपका कुछ परिचय मैं इस प्रकार भी देना चाहूंगी जो सभी के लिए है। आपने हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति का भार संभाला है। आप गणितज्ञ, मैथमेटिशियन हैं और एक चित्रकार भी हैं, यानी कि दो विपरीत धाराओं में बहती अनूठी कलाओं का बेजोड़ संगम कह सकते हैं आपको। आपका आगे का प्रोफाइल, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथ फ्रॉम सेंट स्टीफन कॉलेज, PhD फ्रॉम इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन लंदन,
professor in Department of Mathematics in Texas, chairman of Institute of Informatics and Communication, University of Delhi, और उससे पहले डायरेक्टर ऑफ साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आप रहे और हाल ही में आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं। तो सर, आपके बीज वक्तव्य से हम आगे के सत्र की कार्यवाही शुरू करना चाहेंगे। धन्यवाद सर। Distinguished guests on the dais, colleagues from the teaching fraternity, educators, I am honored to have been asked to be here today to deliver this keynote address. I am not connected directly with school education. My expertise does not lie in school education. I'm really a mathematician. And a mathematician practices his craft largely by himself, alone. Most of my research has been done in bed. All my thinking happens when I lie down. And I stay removed from the world in many ways. And sometimes I ask myself how I got into this journey of trying to manage a university. Maybe there is some coincidence here, maybe there is some other force at work. I have learned one thing ever since I assumed this charge, that you are supposed to be a wise man. People expect you to be a wise man. You are supposed to say words of wisdom. And if there is one thing I have learned that the wisest thing is to not say anything. I have no illusions about being a wise man. If you meet my wife, she'll let you know in 2 minutes that I'm not a wise man. I do not have practical wisdom. A mathematician, as I told you, works largely in the domain of the mind, not the real world. I'm here, I'll tell you why. Not because, as I said, I have no wisdom. I'm here because I'm worried. I'm worried about education. And the more I think about education, the more I realize that it is school education that is the most important. Imarat ki neev agar tehri pad jati hai, to imarat theek nahi chalti hai, ban nahi pati. Neev school se banti hai. समाज का भला स्कूल से ही होता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू थिंक ऑफ दैट। एंड सो आई ऑल्सो थिंक, आई ऑल्सो वरी लाइक ऑल ऑफ यू। यू आर गैदर्ड हियर टू सी हाउ यू कुड डेवलप इनसाइट्स सो दैट वी कुड मेक आवर स्कूल्स बेटर। आई एम सपोज टू स्पीक ऑन द स्कूल्स ऑफ टुमारो। कल क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम, ईश्वर के अलावा। नो वन नोज दैट, लीस्ट ऑफ ऑल समवन लाइक मी। बट आई हैव लर्न टू और थ्री थिंग्स एंड आई विल शेयर देम विद यू। यू नो, एज दे से इन इंग्लिश, इफ यू लिव द प्रेजेंट वेल, द फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। लेट अस लर्न टू मेक द प्रेजेंट वेल। आज की परिस्थिति को संभाल ले, भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। The other thing that I have learned is a little bit from this saying in French, plus ça change, plus la même chose. The more things change, the more they are the same.
I see this all the time. And so, if you're worried about the future, take my word for it. Jo vartman hai aaj ka, this present today, was also at one time in the future. 20 वर्ष 30 वर्ष पहले आज का दिन भी तो फ्यूचर का दिन था. What was it that they did in the past? कि आज हम यहां पर कुछ तो कर पा रहे हैं, एकत्रित हुए हैं यहां पर, we have assembled here. So what was it? I want you to think about that. I don't have answers. And if someone comes and tells you, I have the answers, be careful. Be afraid of that person. Very few people will have answers. If they have answers, they wouldn't be here talking to you. They would be with God somewhere. So don't ever think that there are any final answers. But at least collectively, through collective insight, through collective wisdom, we can find a way. And because there is no final ultimate situation, there is no final ultimate answer. But make sure that the path that you take, the route that you decide to pursue, that is the best route. And that would be in some senses the final answer. So I would urge you to do two things. One, to delve into the past a little bit. Kho nahi jate hain. Teeth mein kho nahi jate hain. Lekin uske andar se jo wisdom hai, usko bahar nikalte hain. We have to look into the past to see what were the good things that enabled institutions to survive the test of time. And use that to build a good present. And if you do that, the future will be good. So let us think about that. As I said, think. That's all I'm here to do. To make all of us, me included, to think. So let us look at the past. What is it? Why do we have schools? Why were schools necessary? Why must we take away children from their homes? And this is the way schools are perceived today. We take children away from their homes at a very tender age. And we put them together, collectively, into an unfamiliar environment. Away from homes, away from their parents, especially their mothers. And we put them into unfamiliar environment because we think this is the right thing for them. There will be very few children who in the beginning will say this is the right thing. And then we think we have taught this child. We made this child grow as a person. But did we really think that this is the best way, or is it because it has come to us from the West? That at age 4 you start schooling. I don't know. As I said, I have no answers. But think about this. Did India always do this? That you start educating children away from their homes, away from their parents, at age 3, 4, 5. And if we didn't do that, what was it that we did? And did it help us? Did it make us a better country, a better society? I want you to think about that. Think about this. I do not know what it is like now in Delhi. Until the courts intervened. When we take these poor children away from their homes, away from their parents, we don't admit them. All our schools are designed to exclude. कोशिश करते हैं कैसे बच्चे को बाहर रखें, तंग करें, अलग कर दें और उसे भिन्न बना दें. एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपीट कराते हैं. Think about that. किसका भला होता है उसमें? ऊंच नीच दिखाने से किसी का भला होता है? इतना बड़ा ज्ञान का सागर है भगवद गीता. मैं धर्म के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, मैं सब धर्म को बराबर मानता हूं निष्ठा से. अंदर से आवाज बोलती है कि सब धर्म बराबर है, मुझे धर्म से नहीं लेना. पर गीता सेज ज्ञानी वही है, योगी वही है जो किसी में भेदभाव न करे. और हमारे सारे स्कूल की प्रणाली जो कार्य होती है, उसकी प्रक्रियाएं